तुम किसी एस नाम के आदमी को जानते हो क्या? नहीं। पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। I just hope ये सिर्फ मेरा शक हो। ये शक ही होगा। माहिरा जी आपको कभी धोखा नहीं दे सकती अरमान भाई। हाँ, हमें याद आया, माहिरा जी किसी से अक्सर बातें करती रहती हैं। सुहेल, हमारा दिल तो नहीं मानता अरमान भाई, पर कहीं ये सुहेल का ऐसे कोई कनेक्शन तो नहीं है? कौन सुहेल? हम किसी सुहेल को जानते तो नहीं है, पर आपको इस चीज की गारंटी देते हैं कि उस सुहेल का सच आपके सामने लाके रहेंगे। हमने आपको भाई बोला है, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। औरतों को ना अपने हस्बैंड से ज्यादा शॉपिंग से प्यार होता है। कल आप अपने लिए नया फोन ले आई और आज इतना सारा सामान। आप बहुत लकी हैं माहिरा जी कि आपके पास इतने पैसे वाले हस्बैंड हैं। होठों पे चुप्पी, आंखों में सवाल और दिल में हल्की सी उलझन। हमें लगता है आप दोनों को अकेले में कुछ बात कर लेनी चाहिए। Yes, please, please leave us alone. रुको। मायरा, बचपन में हमें खेल खेला करते थे, ट्रूथ और डेयर। अरे वो गेम तो हम भी खेलते थे, बड़ा मजेदार गेम है। तो आज भी वही खेल फिर से खेलते हैं? अब इस सब के लिए अभी देर नहीं हो गई है मायरा जी? अगर खेल मोहब्बत का हो ना, तो कभी देर नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं, और इस गेम के रेफरी हम। अरे आज तो बहुत वो आने वाला है। वो क्या? अरे वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखकर आता है वो। अल्लाह, मुझे तो बड़ा मजा आता है, और मैं उस दिन डाइटिंग भी नहीं करती, फुल ऑन पार्टी। अल्लाह, मैं तो हुई चुई मुई। जो दर्द देता है उसे कभी ना कभी तड़पना भी पड़ता है माहिरा। आवाज बंद करो। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि इस मोहब्बत के खेल में जो दर्द देता है ना, उसे कभी ना कभी तड़पना पड़ता है। और आज के खेल में देखते हैं किसे दर्द मिलता है और किसे तड़पना पड़ता है। अरे अरमान भाई, आइए बैठिए। अरे खाला बैठिए ना, शुरू करते हैं गेम। ये चाकू मैं इस टेबल पे घुमाऊंगा, जिसके भी तरफ ये नोक आएगा ना, उसे चुनना है ट्रूथ या डेयर। ठीक है, शुरू करें। अरमान भाई, वाह, सबसे पहला सवाल तो अरमान से मैं ही पूछूंगी। नहीं नहीं नहीं, अरमान भाई से सवाल पूछने का हक माहिरा जी का है। माहिरा जी पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी तरफ से हम सवाल पूछ लेते हैं। अरमान भाई, आपने पहले भी किसी से प्यार किया है क्या? नहीं, इस जिंदगी में मुझे एक ही लड़की से एक ही बार मोहब्बत हुई। वाह, क्या बात है। चलिए चलिए दूसरा राउंड। मायरा जी, अरमान भाई पूछिए।
क्या तुमने कभी एक ही वक्त पे दो इंसान से मोहब्बत की? ये कैसा सवाल है अरमान? अरे आप नाराज क्यों हो रही है माहिरा जी? इंसान के आज को पूरा हक होता है उसके कल के बारे में जानने का। अरमान भाई तो सिर्फ आपसे आपका पास जानना चाहते हैं। क्या आपने किसी और से भी प्यार किया है? Really? तुम मुझे बताओगे अब? मैं अपने हस्बैंड को तुमसे बेटर जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि उनके किस सवाल का क्या मतलब है। तुम बीच में ना बोलो तो बेटर होगा। हाँ, मैंने अरमान से पहले आजाद से प्यार किया था, उनसे निकाह भी किया था, लेकिन वो मेरा गुजरा हुआ कल है। मेरा आज, मेरा आने वाला कल, सब कुछ अरमान से। चलिए नेक्स्ट राउंड। अरे इस पे आ गया। मैं पूछती हूँ तुमसे सवाल। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे सवाल पूछें, इससे पहले हम आपसे सवाल पूछते हैं। एक हैप्पी कपल का क्या सीक्रेट होता है? दो लोगों के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक अच्छे रिलेशनशिप का सीक्रेट होता है प्यार, अंडरस्टैंडिंग और यकीन। लेकिन अगर भरोसा ना हो तो दुनिया भर का प्यार कम पड़ जाता है। वाह, आप दोनों तो एकदम परफेक्ट कपल हैं। माहिरा जी, क्या अरमान भाई पहले भी इतने अच्छे और इतने समझदार थे? मैंने आपसे कहा ना कि आप जो चाहे कर लीजिए, आपसे निकाह नहीं करूंगी मैं। ना तो मुझे आपके सहारे की जरूरत है, ना ही आपकी हमदर्दी की। माहिरा, तुम मुझे गलत और अरमान भाई क्या पहले भी माहिरा जी पे इतना ही यकीन करते थे? और लगता है हमने गलत तार छेड़ दी। चलिए नेक्स्ट राउंड खेलते हैं। नहीं, मुझे बहुत बोर हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। जब इंसान अपने ही सच से दूर भागने लगे भाई, तो उनसे कुछ और पूछने का कोई फायदा नहीं है। माहिरा जी तो अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही, वो आपके सवालों का क्या ही जवाब देंगी? लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता, मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ भाई, आप जो बोलेंगे हम आपके लिए वो करेंगे। चलिए ये तो गए, हाँ अपना खेल शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग खेलेंगे घुमाओ चक्कू। देखते हैं आप दोनों के दिल में क्या है आज। मेरे दिल में तो आपके लिए बहुत कुछ है, बस ये सच बोलने वाला टर्न मेरा आ जाए, फिर मैं दिखाती हूँ अपना दिल खोल के। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई छुरी भोग दूंगी तेरे दिल में। चुप कर, घुमा। मुझे आपकी जरूरत है, मेरे सामने आइए, मेरे सामने आइए, मुझे आपकी जरूरत है। तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, तुम्हारी आंखों की शैतानी चमक कहाँ खो गई? मेरा तो वजूद ही खो गया है। मेरे दिल में जो खंजर था वो पिघल गया है और अब मैं इंसान बन गई हूँ। ये सब इंसानी जज्बातों की वजह से हुआ। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम शैतानों के हाथ में ना हो। तुम्हारे अंदर की शैतानी ताकतों को मैं फिर से जगा दूंगी, तुम फिर से बहुत ताकतवर हो जाओ। ऐसी ताकत का क्या फायदा जो किसी की दिल की मासूमियत को मिटा दे। हम डायनो की बहुत लंबी उम्र होती है, लेकिन हमारे अंदर रूह नहीं होती। एक जिंदा लाश बनकर जीने का क्या फायदा है? तय करने के लिए बहुत लंबा सफर है, लेकिन उस सफर में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। आज पहली बार
मेरी आंखों के सामने रोशनी का एहसास हुआ है। मेरा दिल अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहता है। मैं शैतान से इंसान बन गई हूँ और अब मैं इंसान रहना चाहती हूँ। तुम इंसानों की जिंदगी जीना चाहती हो, वो दर्द वो तकलीफ झेलना चाहती हो जो इंसानों के किस्मत में होती है। क्यों ये आप नहीं समझेगी, वो दर्द वो तकलीफ ही तो होती है जो इंसान को इंसान बना कर रखती है। वो महसूस कराती है कि आप इंसान आज पहली बार सदियों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, मानो कि मुझे किसी गिरफ्त से आजादी मिल गई हो। तुम इंसान की तरह जियोगी और मर जाओगी। दर्द की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल। मुझे सच्ची खुशी महसूस करने के लिए अगर ये दर्द भी सहना पड़े तो मुझे कबूल है। मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है ताकि आप मुझे इस शैतानी गिरफ्त से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दें। खान बेगम, तुम जानती तो हो ना कि हम डायनों के कुछ कानून होते हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, और अगर तुम्हें जिंदगी चाहिए तो तुम्हें किसी की जिंदगी देनी होगी। तो तुम बताओ मैं किसकी जिंदगी लूँ, उस बुढ़िया की या एहसान की? नहीं, किसी की जान लेने की जरूरत नहीं। मैं अपने लिए और किसी का खून नहीं करना चाहती। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। अगर आप चाहें तो आप मेरी जिंदगी ले लीजिए, लेकिन इस दुनिया में मुझे शैतान बनकर नहीं रहना। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इंसान बनकर मर जाऊं। तुम्हें आगाह करना मेरा काम है। तुम एक डायन हो, इतने सालों से शैतानों की तरह जिंदगी जी रही हो, और अगर तुम इंसान बनी तो तुम्हें खत्म होते वक्त नहीं लगेगा। कल सुबह की पहली रोशनी अपने साथ तुम्हारा आखिरी वक्त लेके आएगी। शायद कल का सूरज भी ना देख पाओ तुम अभी से ही कमजोर होना शुरू हो जाओगी। तो क्या तुम अभी भी इंसान बनना चाहती हो? तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या किया आपने? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आपने मुझे सच्ची मोहब्बत का मतलब समझा और आज उस मोहब्बत को अपने दिल में लेकर मुझे जाना होगा। सुनो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे मरने का कब नहीं है, बस आपको जोड़ते वक्त मेरे सीने में दर्द हो रहा, लेकिन मुझे दर्द अच्छा लग रहा है, मुझे आंसू भी अच्छे लग रहे। जो न जाने कब से मेरी आंखों में रुक गए थे। नहीं सनम, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अभी तो मैं आपकी जिंदगी अपने प्यार के रंगों से भरना चाहता हूँ। नहीं सनम, आप नहीं जा सकते। एहसान, मैंने बहुत गुनाह किया जिसकी सजा मुझे अल्लाह देना चाहता। मुझ जैसे शैतान को आपकी मोहब्बत देकर अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। कौन कहता है मैं मर जाऊंगी, मैं तो आपके दिल में हमेशा से तड़पूंगी। सुनो,
या अल्लाह, तेरी इबादत में जो कोई सर झुका था उसके सर से सारे बोझ उतर जाते। आज पहली बार तेरे करिश्मे का एहसास हुआ है मुझे। मेरे हर गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दो। तूने मेरे जैसे शैतान पर रहमत दिखाई, मेरे जैसे काले साए के दिल को धड़कना सिखाया। मैं जिंदगी भर ताकत के पीछे भागती थी कि असली ताकत तो इंसान को अपनों के करीब होने से मिलती है, अपनों की मोहब्बत से, अपनों के साथ से, इंसानियत से मिलती। अच्छा, मेरा जिस्म बहुत कमजोर होगा लेकिन मेरा दिल बहुत मजबूत है। आज मेरे दिल में सारे गुनाहों को मानने की ताकत आ गई। मुझे पनाह दे दे, मैं तुझे जो सजा देनी है मुझे कबूल। दादी मुझे माफ कर दीजिए। जिसने इतने दिल से अल्लाह से माफी मांगी हो उसे किसी और से माफी मांगने की जरूरत नहीं। बड़े कमबख्त के लिए से मुझे आप लोग का साथ मिला, प्यार मिला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास वक्त बहुत कम और कुछ लोग हैं जिनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। आज जो खान बेगम आपके सामने खड़ी है उसका वजूद आपसे है। मुझे नाज है कि आप मेरे शौहर और मैं आपकी बीवी। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए मोहब्बत रहेगी। जल्दी चलो जल्दी चलो, तुम दोनों से नीचे कोई मिलने आया है इस वक्त। हाँ वो क्या बोलते हैं उसे, अरे वो बिना बताए तोहफे देते हैं ना वो, सरप्राइज। हाँ सरप्राइज। हाँ चलो चलो जल्दी नीचे चलो, सरप्राइज। खान बेगम आप इस वक्त सब ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए, इतना कुछ चल रहा था लाइफ में, आपसे बात ही नहीं हो पाई मेरी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। दरअसल मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ।